एक विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर है। दूसरी इनिंग का खेल जारी है और अच्छी गेंद पैड से टकराई और लेग बाई के रूप में एक रन पूरा कर लिया दोनों खिलाड़ियों ने। ये क्रिकेट मैच 20,000 का वडाला के ग्राउंड पर खेला जा रहा है, मुंबई वडाला में। और ये बरकत अली नाके के पास एक ग्राउंड है, उसी ग्राउंड पर खेला जा रहा है। बॉलर फिर से अच्छी पटकी गेंद और उसको हल्के हाथों से खेला है। जब तक गेंद को फुल किया जाए दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी आसानी से एक रन पूरा कर लिया। हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे खेला है, गेंद को फुल किया जाए, एक रन लेने का मौका था। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर 6 रन एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर लेकर आए हैं लेफ्ट हैंडर गेंदबाज और फिर से लेग साइड में घूमकर खेला है, गेंद दनदनाती हुई सीमा रेखा बाहर। देखना अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक दोनों खिलाड़ियों ने दौड़ का बड़ी आसानी से 2 रन पूरा कर लिया। बहुत ही शानदार क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, स्टेट ड्राइव खेला है, इसके नीचे खिलाड़ी और अच्छी फील्डिंग कराई जाएगी। एक ही रन से संतुष्ट, फिर से उछाला लेग साइड पे, गेंद दंदनाती इसी मारे का बाहर 6 रनों के लिए। काफ़ी लंबा सिक्स लगा है, लगभग 125 मीटर लंबा छक्का। काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं हसान। बॉलर तैयार, फिर से स्ट्राइक पर होंगे हसान जो एक सिक्स लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली ही गेंद पर सिक्स लगाया है हसान ने। फिर से वही गेंद, फिर से वही नतीजा, और गेंद सीधा सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। ब्रिज के ऊपर जाकर गेंद गिरी। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, जितनी तारीफ की जाए कम इनकी। जैसे देखा पटकी गेंद है, पूरी तरीके से लॉक कर दिया, गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक सिक्स लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखना हैट्रिक पूरी कर पाते हैं या नहीं, देखना है 3 गेंदों पर 3 सिक्स लगा पाते हैं या नहीं। बॉलर लेफ्ट हैंडर गेंदबाज हमसे दुर्भाग्य अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद ओवर पिछे गेंद थी, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, पूरा काम विकेटकीपर ने पूरा किया। अभी भी स्कोर 20 रनों पर रुका हुआ, दूसरा ओवर प्रगति पर है एक विकेट के नुकसान पर। फिर से वही गेंद, वही नतीजा, बल्लेबाज की चालाकी को समझ लिया है गेंदबाज ने। ओवर की समाप्ति हुई, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। मुंबई के ग्राउंड पर यह मुकाबला चल रहा है। अब गेंदबाज को चेंज किया गया है, राइट हैंडर गेंदबाज को गेंदबाजी दी गई है। देखना है कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं हसान बॉलर। और इसे उछाला, उसके नीचे खिलाड़ी, खतरा हो सकता है, लेकिन देखना है दो खिलाड़ी के बीच में गेंद गिरी, कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 21 रनों पर रुका हुआ एक विकेट के नुकसान पर। काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों पर 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बॉलर राइट हैंडर गेंदबाज शान के लिए। और फिर से उछाला है, देखना है अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा हो रही है, अंपायर के इशारा भी आना बाकी। काफ़ी अच्छी फील्डिंग कही जाएगी वहां खड़े खिलाड़ी द्वारा। तब तक दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर बड़ी ही चहल कदमी से एक रन पूरा कर लिया। इस 1 रनों के साथ स्कोर 23 रन तीसरा ओवर प्रगति पर है एक विकेट के नुकसान पर। फिर से बॉलर तैयार हो तो ही है। और फिर से लेग साइड में घूमकर खेला है, देखना अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा और गेंद सीधा सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्रिकेट मैच मुंबई में वडाला के ग्राउंड पर खेला जा रहा है। ये सट्टा वाला मैच है, 20,000 रुपये का यह मैच लगा हुआ है। दोनों ही टीमें अपनी खून पसीना एक करती हुई, हमारे यूपी में तो 20,000 में पूरा टूर्नामेंट ख़त्म हो जाता है, उतनी प्राइज़ नहीं रहती है। बहुत सारी जगहों पर तो लाख डेढ़ लाख रहता है, यहाँ हर संडे को इसी तरीके से मैच खेला जाता है।
बॉलर फिर से स्ट्रेट ड्राइव खेला, उसके नीचे खिलाड़ी खतरा हो सकता है, लेकिन गेंद सीधा संभवतः सीमा रेखा बाहर, 6 रनों के लिए। काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, एक विकेट के नुकसान पर स्कोर उछलता कूदता फांदता हुआ 33 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर है। शायद कुछ उनके कप्तान कुछ राय मशवरा देते हुए बॉलर को कि किस तरीके से गेंदबाजी करनी है, और बैटिंग करने वाले खिलाड़ियों की झुंड में खुशी की लहर दौड़ती हुई जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। बॉलर फिर से वही गेंद, उसको उछाला, उसके नीचे खिलाड़ी खतरा हो सकता है, और इस तरीके से कैच ड्राफ्ट होता हुआ, कैच छोड़ो मैच छोड़ो, कैच पकड़ो मैच पकड़ो, एक हलवा सा कैच जिसे कहते हैं, काफ़ी घटिया फील्डिंग कही जाएगी बॉलर की। और फिर से लेग साइड में हल्के हाथों से शायद अंपायर से गेंद टच होती हुई, फिर भी जब तक गेंद को फील्ड किया जाए दोनों खिलाड़ी दौड़ कर बड़ी आसानी से एक रन पूरा कर लिया, दूसरा रन पूरा करना चाहते थे लेकिन मना किया उनके साथ ही खिलाड़ी ने। स्कोर 36 रन, एक विकेट के नुकसान पर, 4 ओवर की समाप्ति पर। ये मुकाबला 6-6 ओवरों का खेला जा रहा है, जिसमें सामने वाली टीम ने निर्धारित 6 ओवर में 64 रन बनाए थे और 65 रनों का टारगेट दिया है, जिसके जवाब में सामने वाली टीम ने 4 ओवरों में 36 रन बना लिया और 12 गेंदों पर 29 रनों की ज़रूरत है, 12 गेंदें 29 रन। अब बची हुई 12 गेंदों पर 29 रनों की ज़रूरत है, लगभग 14.5 के रन रेट से रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है केदवाई नगर के खिलाड़ियों को। 12 गेंदें 29 रन, अब स्ट्राइकर बॉलर अपने कोटे का लास्ट ओवर लेकर अंपायर को क्रॉस किया, और अच्छी गेंद अंपायर के सारा लेग बाई का